धर्म चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो चाहे जैन हो, हर एक धर्म में अहिंसा धर्म को सर्वोच्च माना गया है। मेरे पास बहुत सारे धर्म के बहुत सारे पाठ आज मेरे पास है, जिसे साबित होता है कि हर एक धर्म में अहिंसा धर्म सर्वोच्च माना गया है। संत तुलसीदास कहते हैं, तुलसी दया न पार की, दया आपको होय, तू किसको मारे नहीं, तूने न मारे कोई। अर्थात दया दूसरों पर नहीं, खुद पर ही होती है। यदि हम किसी को नहीं मारेंगे तो हमें भी कोई नहीं मारेगा। यजुर्वेद ग्रंथ में कहा गया है, मा हिंसिस तन्वी प्रजा, अर्थात तू सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा मत कर। भगवद गीता में कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, अर्थात सभी जीवों को अपने समान देखना ही सच्ची दृष्टि है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सर्वभूत दया तीर्थम, अर्थात सभी जीवों पर दया रखना ये श्रेष्ठ तीर्थ है। पद्म पुराण में कहा गया है, आत्मोपमश्च भूतेषु सह तीर्थ फलमश्नुते, अर्थात तीर्थ यात्रा का फल उसे ही मिलता है जो सभी जीवों को समान मानकर उनकी रक्षा करता है। ईश्वर गीता में कहा गया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्ता अहिंसा परमर्षि भी, अर्थात मन वचन और कर्म से हमेशा सभी जीवों को दुख नहीं पहुंचाना, इसी को परमर्षियों ने अहिंसा कहा है। महाभारत ग्रंथ में कहा गया है, यो दद्यात् कांचनम मेरुम कृत्स्नाम चैव वसुंधराम एकस्य जीवितम दद्यान न च तुल्यम युधिष्ठिर, अर्थात हे युधिष्ठिर, यदि कोई सोने का पर्वत अथवा तो समस्त धरती दान में दे दे तो भी एक जीव की रक्षा की तुलना में वो दान नहीं आ सकता। गुरु नानक सिख धर्म में कहा गया है कि जो मांस का भक्षण करता है और मादक पदार्थों का सेवन करता है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जरथुस्त पारसी धर्म में कहा गया है, सभी जीवों का सावधानी पूर्वक रक्षण करना चाहिए क्योंकि पशुओं के कत्ल को ईश्वर खराब कार्य मानते हैं। बाइबल ग्रंथ में भी कहा गया है, जो शराब पीता है और मांस खाता है उसकी सत्संग कभी मत करना क्योंकि वह लोग खूब दुखी हो जाते हैं और अंत में भिखारी बन जाते हैं। मज्जिम निकाय ग्रंथ मतलब कि बौद्ध धर्म में कहा गया है, पाणाति पात वेर मणि कुशलम, अर्थात हिंसा का त्याग करने पर ही आप सुखी हो सकते हो। सिंतो धर्म जैपनीज उसमें भी कहा गया है, समग्र विश्व एक कुटुंब है, ये कभी आप भूलना मत। हजरत मोहम्मद पैगंबर कहते हैं, सभी प्राणी परमात्मा का कुटुंब है और जो परमात्मा के कुटुंब का भला करता है वह परमात्मा को सबसे प्रिय बन जाता है। हजरत अली साहब कहते हैं, तू जैसा अपने लिए अच्छा मानता है वैसे ही सभी के लिए अच्छा मान, और तू पशु पक्षी की कब्र अपने पेट में मत बना। कुरान शरीफ ग्रंथ में भी लिखा है, वैजा तवल्ला साफिर अर्दे लयुक सिदफिहा व युह लिकल हरसा पन्नस्तवल्ला हो ला युही बुल फसादा, अर्थात जानवर को मारना और खेती को नष्ट करना ये भूमि में खराबी फैलाने जैसा है और इसको अल्लाह पसंद नहीं करते। आगे लिखा है, बिस्मिल्ला रही माजुर रहीम, अर्थात खुदा का पहला फरमान है कि सभी जीवों पर आप रहम करो दया करो। और आगे लिखते हैं कि जो किसी जीव की हत्या करता है वह समग्र मानव जाति का हत्यारा गिना जाता है और जो किसी जीव को बचाता है वह मनुष्य को बचाने जितना ही माना जाता है। आगे कहते हैं, ली यना लल्लाह लुहू मुहा वला दिमा ओहा वला किया यना लुहत तकवा, अर्थात खुदा को तुम्हारी कुर्बानी के मांस और खून से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो मात्र आपकी श्रद्धा जरूरी है। और आगे लिखते हैं, इरहमु मनफिल अर्दे यरहम कुमुर्रहमानु, अर्थात जगत के जीवों पर रहम करो क्योंकि खुदा ने तुम पर बेहद मेहरबानी की हुई है। और अंत में ये भी कहा है कि जो कोई इंसान एक चिड़िया को भी मारता है तो उसे खुदा को जवाब देना पड़ता है, और कोई छोटे से जीव पर दया करके उसको जीवन दान देता है तो खुदा कयामत के दिन उसकी हिफाजत करता है, उस पर दया करता है। हमारे जैन धर्म में छोटी सी चींटी को भी मारना वर्जित है, जहाँ पर आज
सैकड़ों बकरियां कटेगी, सैकड़ों जीवों की हत्या होगी और उनको मारकर, उनको काटकर हम खुशी मना पाएंगे? क्या हमको सुख मिल पाएगा? एक बार हृदय पे हाथ रखकर सोचना जरूर। वंदे वीरम, वंदे शासनम, जय भारत।